after you said and feel fitting, and he's the one person you are thinking, why have you chosen this person to give award? Let me tell you, he's the one person who dared to criticize or dared to appreciate, dared to review the movies, and he's the first person who was just a bang on YouTube, and he's overnight he became very famous, and he circulated himself, he passed his message, and one day he announced something, and on Twitter I don't follow anyone, if people follow me, that's fine, otherwise I used to troll him also. One day he trolled me, and people were saying, Kamal Khan, I want to ask you one thing, please give him the mic. How do you deal with these social abusers? Jo social media pe galiyan dete hain gande gande, usse kaise deal karte ho? खैर उनको तो डील किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, आप जब गाली देते तो आपको कैसे डील करना? मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि आप लोग मीडिया वाले किसी की इमेज कैसे बना सकते हैं, उसका एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि जैसे सबके दिमाग में है वैसे आपके भी दिमाग में हो, ये बात आप दो बार कह भी चुकी हैं कि भाई मैं गालियां देता हूँ, और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछता हूं कि वो एक ट्वीट मुझे दिखाएं जिसमें मैंने गाली दी है, तो वो शायद आपको वो शायद नहीं मिलेगा। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। हाँ, यूट्यूब पर भी अगर आप कहीं जाएंगी तो मुझे कहीं नहीं पाएंगी आप कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, या किसी के साथ रेस्टोरेंट में झगड़ा कर रहा हूँ, या मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, या किसी को भी मैंने कभी गाली दी हो। बट मीडिया वालों के और आपके भी दिमाग में ये है कि मैं गालियां देता हूँ। नहीं, मेरे दिमाग में होता तो मैं आज आपको यहाँ बुलाती नहीं। हाँ। मुझे बता दिया गया था। वो एक चीज जो है वो सिर्फ, हाँ, शायद मैंने बिग बॉस में जो भी किया था, बट वो एक रियलिटी शो था, और वो रियलिटी शो में उस शो से रियल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। बट रियल लाइफ में मुझे आप कहीं नहीं पाएंगे कि भाई मैं कभी झगड़ा कर रहा हूँ किसी के साथ, या किसी को गालियां दे रहा हूँ, या कोई भी आज तक ऐसी कोई इंसिडेंट कोई भी मुझे बता ले। तो मीडिया जो है वो किसी की भी इमेज सही या गलत बना सकता है, ये मैं मानता हूँ। मीडिया को बड़ी दुश्मनी है आपसे। जी, मीडिया को बड़ी दुश्मनी है आपसे। मीडिया को मुझसे बहुत दुश्मनी है, क्योंकि मुझे मीडिया से दुश्मनी है। हाँ, ये बात सही कही आपने, एंड आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। एनीवेज, मुझे ये पूछना था कि आपकी जो पहली फिल्म हमने देखी थी, जहाँ से हम आपको जानते हैं, विद्रोही, राइट? जी, देशद्रोही। देशद्रोही, जिसमें आपने खूब मारकुटी की और खूब जोर जोर से डायलॉग्स बोले, उसके बाद वो वैसे तूफानी मूवीज आना बंद हो गए, क्यों? एक्चुअली मैं बहुत पहले, मैं एक ऐसे गाँव से हूँ जहाँ लाइट नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तो ऐसे छोटे से गाँव से मैं आया हूँ, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जब मैंने पैसे कमा लिए थे उसके बाद, कि मुझे फेमस होना है, और मैं फेमस होने के लिए फिल्म बना रहा था, मैं कोई करियर बनाने के लिए फिल्म नहीं बना रहा था। आज आप उस फिल्म को कितना महत्व देते हैं फेमस होने के पीछे? उसी ने मुझे फेमस किया है, क्योंकि मुझे याद है कि जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही थी फ्राइडे को, तो थर्सडे को मैं अपने घर पे बैठ के रो रहा था। आप मेरी बात से असहमत हो ही नहीं सकते। कैसे? उस फिल्म में आपने मारा कुटी गाली गलौज कर की, तो मारा कुटी की गाली गलौज तो नहीं की, मारा कुटी की, और उससे जिस मकसद के लिए मैंने बनाई थी, फेमस होने के लिए, मैं फेमस हो गया, उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे और एक लास्ट सवाल आपसे पूछना है। जी, यहाँ से आगे क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? नहीं, पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन की थी 15 दिन, तो 15 दिन मैंने कैंपेनिंग किया, और 15 दिन में मुझे पता चला कि पॉलिटिक्स जहाँ से शुरू होती है वो करप्शन से शुरू होती है, करप्शन पे खत्म होती है, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम है।